शाहजहांपुर में सपा किसे बनाएगी मेयर प्रत्याशी? अखिलेश यादव के लिए इस वजह से बड़ी टेंशन। समाजवादी पार्टी की ओर से शाहजहांपुर से मेयर उम्मीदवार ने रविवार को लखनऊ में बीजेपी का दामन थाम लिया है। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अर्चना वर्मा रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयी। इसके बाद भाजपा ने उन्हें शाहजहांपुर से ही मेयर पद के लिए टिकट दे दिया। अर्चना ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और जेपीएस राठौर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इसके चंद घंटे बाद ही पार्टी ने उन्हें शाहजहांपुर से मेयर पद का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के हस्ताक्षर से जारी सूचना में अर्चना का नाम शामिल है। पाठक ने अर्चना का मेयर में स्वागत करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर से अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन वह पार्टी की नीतियों से दुखी थी, खासतौर पर सपा शासन के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों से उन्हें पीड़ा हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह भाजपा में शामिल होंगी। सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक क्रमशः झांसी और गाजियाबाद में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से लिए मतदान 4 मई और 11 मई को होगा। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की 17 सीटों, पार्षद की 1420, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199, नगर पालिका परिषद सदस्य की 5327, नगर पंचायत अध्यक्ष की 554 और नगर पंचायत सदस्य की 7178 सीटों के लिए मतदान होगा। स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी सपा सहित राजनीतिक दलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का मौका होगा। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बता दें कि सपा की जिला इकाई ने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं पार्टी हाईकमान भी चुप्पी साधे हुए हैं। सपा के पास नए प्रत्याशी के ऐलान के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज होगी कि आखिरी वक्त में सपा की रणनीति क्या होगी।